अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान की मेन एंट्री गेट पे मौजूद हूँ और मैंने सोचा आपको मैं साइट का विज़िट करवा दूँ। और ये इसकी मेन साइट है, मेन गेट जहाँ पर बन रहा है मेन। ये जीटी रोड से आप इंटर करेंगे, ये जीटी रोड से आप जो ही इंटर करेंगे तो ये मेन बुलीवर्ड रोड है। तो ये मेन बुलीवर्ड रोड है, माशाल्लाह से कारपेटेड हो चुका है, बेहतरीन तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और हो ये मेन बुलीवर्ड तो तकरीबन बन गई है, अभी इसकी बस फिनिशिंग बाकी है। और इस साइड पे दिखाऊं मैं आपको, तो ये साइड पे इसका जो मेन गेट है उसका काम हो रहा है। तीन पिलर होंगे बेसिकली इस मेन साइड के। ये पहला जो लेफ्ट साइड है इसकी, ये इसके पिलर्स पर काम हो रहा है। और इसके साथ ये इसका दूसरा पिलर होगा ये मेन बुलीवर्ड रोड का, और ये इसका ये एक पिलर है, दूसरा तीसरा पिलर होगा। गेट नंबर वन ये देख रहे हैं आप, यूनाइटेड इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का जो ये प्रोजेक्ट है मेन गेट बनाना, उस पर काम हो रहा है। इसे आप देख रहे हैं, मैंने सोचा कि आज मौसम जो है वो कदरे नाखुशगवार है, इसलिए जो है मैं चाह रहा था कि ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन धूप आज निकली नहीं है। और इस साइड पर ये आप देखें जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अपने फुल स्विंग पे है, माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आप देख लें। और बड़ी चहल पहल है कि बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ को हम जब विज़िट करते हैं और वहाँ पे उनका जब रिव्यू कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क अपडेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत कम बंदे मिलते हैं। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है। इस हवाले से ये जो साइड पर ज़मीन थी ये इनको अभी तक नहीं मिली है, मेन बुलीवर्ड को आगे से फिनिशिंग कर रहे हैं, ये उसका काम हो रहा है। अच्छा, इस साइड में आपको दिखाऊं तो ये जो ये बुलीवर्ड के साथ जो है ये साइड रोड जो है वो लिंक रोड बन रही है। इस साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये यहाँ से एंट्रेंस जो है वो तब्दील हो जाएगी, ये दो हिस्से में तब्दील होगी। ये बुलीवर्ड का एक ये हिस्सा है यहाँ पर बन रहा है। ये जो पहली स्ट्रीट होगी इसके साइड पे एक एक कनाल के प्लॉट होंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे एक कनाल को जो लोकेशन दी गई है वो ये हिस्सा है। अच्छा, इसके साथ जो ये हिस्सा है ये मेन बुलीवर्ड का हिस्सा है, और इसके साथ ये देखें ये 150 फीट वाइड मेन बुलीवर्ड यहाँ पे बनाई जाएगी, बल्कि ये बन चुकी है। इसके साथ तकरीबन 7 से 8 फुट का ग्रीन एरिया यहाँ पर रखा गया है। ये स्ट्रीट लाइट्स माशाल्लाह नस्ब हो चुकी हैं, ये आप देखें साइड पर मशीनरी काम करिए। ये जो बैक एंड पे मैं आपको दिखाऊं कि इस साइड पे जो ये इलाका है ये सारे का सारा एक कनाल का इलाका है। अच्छा, इसके साथ जो लिंक रोड बनाई जा रही है, ये लिंक रोड बेसिकली कनेक्ट करेगी जो 8 मरला कमर्शियल हाई राइज यहाँ पे बनाए जाएंगे, 8 मरला इस मेन बुलीवर्ड के अपोजिट में इस साइड पे, जहाँ पे 8 मरला कमर्शियल की पट्टी होगी आगे तक जाएगी। ये अब इसकी बैक साइड पर पीछे वाली साइड पर ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इस इलाके में सारा का सारा ये जो होगा ये एक एक कनाल के प्लॉट्स मौजूद होंगे इस साइड पे, ये पूरी पट्टी आएगी एक एक कनाल के प्लॉट्स की। और बुलीवर्ड को माशाल्लाह सही कारपेटेड कर दिया गया है, और वैसे गाड़ियों का आना यहाँ पे अलाउ नहीं है, पौधे और मुकम्मल तौर पे लगा दिए गए हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के आखिर तक आपको तमाम सर डेवलपमेंट अपडेट दूँ, ये साइड पर इनके कंटेनर्स वगैरह लगे हुए न्यू मेट्रो के, ये मशीनरी देख लें आप काम करती हुई, ये मेन बुलीवर्ड रोड। अच्छा, ये ग्रीन एरिया जो है ये काफ़ी बड़ा ग्रीन एरिया जो है ये रखा गया है, खुली बिछा था, और माशाल्लाह ग्रीनरी यहाँ पे लगा दी गई है, और इसके साथ साथ फुल मशीनरी, मतलब एक पूरा जो काफ़िला था जो जिस पे हमेशा BSM गुरूर करता है कि BSM के पास जो है वो पूरा एक लश्कर है, एक फ़ौज है मशीनरी की, वो तो दिख रही है हमें हर तरफ, चारों तरफ आप जहाँ जहाँ देखेंगे मशीनरी काम कर रही है। ये इसका अर्ली बर्ड ए ब्लॉक जो है ये वो, अच्छा ये इस साइड पे जो है यहाँ पे भी 8 मरला कमर्शियल होगा, 8 मरला कमर्शियल की बैक साइड पे वो 8 मरला विलास यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये बैक साइड पे ये जो बन रहे हैं ये 8 मरला विलास हैं। मैं चाहूँगा कि आपको करीब से भी दिखाऊँ, ये जो है वो लिंक रोड है उस पर काम हो रहा है, अब इसकी बैक साइड पे 8 मरला कमर्शियल बनाए जाएंगे। ये सारी पट्टी 8 मरला कमर्शियल की होगी, ये मेन बुलीवर्ड, ये दूसरा
इसकी दूसरी साइड पे भी 8 मरला कमर्शियल की, एंड देन इसकी अपोजिट पे जो है वो एक कनाल के प्लॉट्स होंगे। इस साइड पे एंड पे फुल लास्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जहाँ पे अब मशीनरी काम कर रही है, इसके एंड पे 5 मरला प्लॉट्स हैं, इसके साथ फिर 8 मरला ब्लॉक हैं, फिर इस साइड पे 7 मरला प्लॉट्स हैं, ये सारे का सारा वही है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये अर्ली बर्ड ब्लॉक है, ये इसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो एक जो जैसे न्यू मेट्रो सिटी खारियां के अंदर जो है वो ग्लो पार्क बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा। जो अर्ली बर्ड ए ब्लॉक है इसको डिलीवर करने के हवाले से ये कहा गया है, ये दावा किया गया है न्यू मेट्रो की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कि उसको वो अप्रैल तक डिलीवर कर देंगे, पोजेशन दिया जाएगा। बैलेटिंग हो चुकी हुई है 3 ब्लॉक की कामयाबी के साथ माशाल्लाह से, बी ब्लॉक की भी हो गई है रिसेंटली, और बहुत से लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो इसमें निकल आए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लोग या प्रॉपर्टी डीलर्स उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें, लेकिन टू सम वर्ड के वो इतना कंट्रोवर्शियल है नहीं है। ज़ाहिर है जितनी ज़मीन होगी उन्हीं लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे, जिनके नहीं आते तो उनको नेक्स्ट सेक्टर में जो है वो कर दिया जाएगा। अब मैं गाड़ी आ गई है मेरी, मैं पता करूँ, क्योंकि इस मेन रोड से, मेन बुलीवर्ड रोड से उन्होंने हमें आने नहीं दिया। इस साइड पे आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल तौर पे लग चुकी हुई हैं, और कोई भी अगर गाड़ी पे आके साइट विज़िट करना चाह रहा है ना तो उसको अंदर नहीं आने देंगे मेन गेट से, क्योंकि अभी रोड बनाई है इन्होंने। इस हवाले से ये आप देख लें तो ये जो है वो मेन स्ट्रीट लाइट्स के लिए काम हो रहा है, यहाँ पे अंडरग्राउंड जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका निज़ाम है, ये दूर दूर तक जो है वो बना रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स को लगा रहे हैं, नसब कर रहे हैं। इस साइड पे ये वो 8 मरला विलाज़ हैं जिनके मुतल्लिक बात हुई है कि इनको जल्दी पोजीशन दिया जाएगा, और ये इंशाल्लाह इस साल अगस्त तक, 2023 के अगस्त तक डिलीवर हो जाएंगे, इनको पोजीशन दिया जाएगा, ये जो विलाज़ यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इन विलाज के एंड पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये जहाँ से ये गाड़ी आ रही है, इस साइड बैक साइड पे 5 मरला प्लॉट होंगे, 5 मरला की कटिंग, जिनको कहा गया कि बहुत नुक्कड़ पे जाके फेंके गए हैं, लेकिन हर कहीं ना कहीं पे सोसाइटी में तो इनको रखना था, उस साइड पे एंड पे 5 मरला विलाज 5 मरला प्लॉट रखे गए। अच्छा, ये आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये जहाँ जहाँ तक आप कहेंगे दूर दूर तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसी यहाँ पे अगर आप दरमियान में खड़े हो के सोसाइटी के दरमियान में आप खड़े हो और जिस सिमत आप नज़र दौड़ाएंगे, निगाह दौड़ाएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन होती भी दिखाई देगी। ये देखिए, ये जो इलाका है इसमें अभी ग्लो पार्क बन रहे हैं, इस हवाले से जो इब्तदाई मरहले में काम हो रहा है ग्लो पार्क के हवाले से। अच्छा, इसी से आगे अगर जाएंगे तो तल्फ पार्क स्क्वायर बनाया जाएगा फुल आखिर में, दरमियान में जो है वो तल्फ पार्क स्क्वायर के लिए अभी लैंड लेवल हो रही है। मैं यहाँ से नीचे उतर के आपको दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके कि जो ग्लो पार्क है उसका काम कितना हो गया, क्योंकि ये जल्दी डिलीवर करना है। पोजेशन जो है वो अप्रैल में दिया जाएगा ए ब्लॉक, अर्ली बर्ड ए ब्लॉक को, इसके बाद फिर ए साउथ को जो है वो इस साल के आखिर तक, 2023 के आखिर तक डिलीवर किया जाएगा। तो इस हवाले से ये सारी काम की पेस जो है उसको रुके यहाँ पे। अच्छा, मैं नीचे उतर के आपको दिखाऊंगा ग्लो पार्क का कंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ तक हुई है, ग्लो पार्क जो है उसका काम हो रहा है, ग्लो पार्क के बाद जो बनाए जाएंगे। अच्छा, ये मेन इसकी रोड होगी। अच्छा, ये हम आगे हैं, आगे ये आगे जो है ये तल्फ पार्क स्क्वायर जो है ये बनाया जा रहा है, जिसके लिए न्यू मेट्रो खारियाँ के अंदर भी जो बनाया गया तल्फ पार्क स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तर्ज का यहाँ पर भी बनाया जा रहा है न्यू मेट्रो गुजर खान के अंदर भी। ये 150 फुट मेन बुलीवर्ड रोड है जो फुल कारपेटेड हो चुकी है इस वक्त, ये तल्फ पार्क स्क्वायर बनाया जा रहा है। मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ तल्फ पार्क स्क्वायर के साथ में कुछ चीज़ें आपको बताना जो है वो लाजमी समझूंगा। ये वो जगह है जहाँ पे IVY का जो है वो इंटरनेशनल कॉलेज बनने वाला है तल्फ पार्क स्क्वायर के बिल्कुल इस जानब पर, और ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है इस वक्त, यहाँ पे हेड ऑफिस बनेगा न्यू मेट्रो सिटी का। ये बिल्कुल तल्फ पार्क स्क्वायर से आप आएंगे तो इसके दाईं जानिब जो है ये यहाँ पे तल्फ पार्क स्क्वायर के यहाँ पे इसका हेड ऑफिस बनेगा। अच्छा, इसके साथ कुछ चीज़ें और जो हैं वो डेवलपमेंट वर्क के हवाले से मैं दिखा दूँ, ये जो चीज़ें बन रही हैं ये क्या हैं, मैप के मुताबिक जो है वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूँगा कि वो आपको दे सकूँ। यहाँ पे कैसे हैं आप, ठीक
ठीक हो रहा है काम? क्या बना रहे हैं? है? ये किसके लिए बन रहा है? तल्फका स्क्वायर के लिए बन रहा है या इस? अच्छा, ये इस जगह पे मेन पे लगेगा यहाँ पे? ये लाइट स्ट्रीट लाइट के लिए है या कुछ और है? स्ट्रीट लाइट के लिए चिराग लाया। ये वो दिखा दो फिर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जिसको बहुत से लोगों ने एक्सप्लेन करने में शायद मिस कर लिया है। तल्फका स्क्वायर के हवाले से मेन ये जो चौक बनाई जाएगी इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रखी गई थी वहाँ पे जो लोगों ने मिस किया। ये तल्फका स्क्वायर इस तर्ज का बनाया जाएगा, ये इसके अंदर एक मेन पोल होगा और 5 मंथ लिखे हुए हैं कि 5 मंथ के अंदर इसको डिलीवर करेंगे। 13 अक्टूबर 2022 को इसका काम स्टार्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं ये वर्क की रफ्तार है। अच्छा, ये न्यू मेट्रो की कैनाल पे वर्क हो रहा है और इसी के साथ यहाँ पे एक अंडरपास बनाई जाएगी जो बी ब्लॉक को और ए साउथ को कनेक्ट करेगी। यहाँ से ये एक जो न्यू मेट्रो कैनाल है उस पे काम हो रहा है, उसके साइड पे जो दीवार बंदी हो रही है ये उस हवाले से काम है। और इसी के साथ ही यहाँ पे इसके साथ ही एक अंडरपास जो है वो यहाँ से बनाया जाएगा, यहाँ से एक अंडरपास बनाया जाएगा जो कनेक्ट करेगा। मेरे ख्याल में ये नीचे तो कैनाल गुजरेगी, ये पानी आ भी रहा है, ये कैनाल गुजरेगी, कैनाल के ऊपर जो है वो अंडरपास होगा और इसके ऊपर जो है वो ब्रिजेस भी कनेक्ट किए जाएंगे। आपने देखा होगा न्यू मेट्रो कैनाल के ऊपर से ब्रिज गुजर रहा है, वो यहाँ पे होगा। अच्छा, इस साइड पे ये तल्फका स्क्वायर में मैं खड़ा हूँ और इस साइड पे 14 मरला के जो प्लॉट होंगे वो होंगे और इसके बिल्कुल इस जानिब एक मस्जिद रक्षंदा बनेगी, बहुत बड़ी मस्जिद जो है वो बनेगी। मेरे ख्याल में जहाँ पे मैं इशारा कर रहा था ये यही है मस्जिद रक्षंदा जहाँ पे बनाई जाएगी और इसके साथ साथ बल्कि उस पर काम हो भी रहा है, इनिशियल मराहल में है। ये देखें ये मस्जिद रक्षंदा का काम हो भी रहा है। मैं मैप को अच्छे से रीड करके आया हूँ आप लोगों के लिए, मैं अपने पास ही चीज़ें नहीं बता रहा। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखेंगे ये गेट नंबर 2 होगा इस साइड पे, जब गेट 2 आएगा ये यहाँ से टर्न लेके जो है फिर आप इस साइड पे घूम सकते हैं। तो ये इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये हैं कि इस ये जो गेट 2 होगा इस गेट 2 के साथ ही दरमियान में आप आएंगे तो न्यू मेट्रो सिटी का हॉस्पिटल होगा, फिर IBY स्कूल होगा, IBY कॉलेज जहाँ पर बन रहा है, फिर वो 150 फीट वाइड जो है वो मेन बुलीवर्ड रोड होगी, उसके दोनों अक्रॉस पे एक एक कनाल के रेजिडेंशियल होंगे, फिर 8-8 मरला के कमर्शियल बोथ साइड पे होंगे। अच्छा, वर्क स्पीड देखें, मेरे ख्याल में नो डाउट न्यू मेट्रो सिटी ने जो है ना अपने तमाम तर कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दिया इस हवाले से। ता हद निगाह अगर आप कहें कि तो मशीनरियों का काफ़ी, आप ये देखें इसको देखने के लिए मैंने ज़ूम किया और पीछे देखिए इस मशीनरी को देखने के लिए मैंने ज़ूम किया था और इससे पीछे भी मशीनरी काम कर रही है। ये अब ये पहाड़ी आ गई है, इस पहाड़ी पे है, ये पहाड़ी पे इस साइड पे और ये मशीनरी काम कर रही है, ये मशीनरी काम कर रही है, ये काम कर रही है और जिस साइड पे भी जिस तरफ आप देखना चाहें ना मशीनरी काम कर रही है। ये देखें दूर मैं अब ज़ूम नहीं कर पा रहा, मैं यहाँ पे भी अच्छा ये देखें मैं कितना दूर आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल साथ ही है, ये देखना कितने दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस हिस्से को इस पट्टी पे काम हो रहा है, आएँ इस हिस्से में जूम करें जहाँ पे आप कहेंगे जूम करूँगा। ये देखें यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है। अब आएँ किस हिस्से पे जूम करूँ, इस हिस्से पे ये मेन GT रोड है, यहाँ से आपको मेन GT रोड के मनाजिर ये कहाँ पे आप कहेंगे मशीनरी दिखाऊँगा और ये इनका हेड ऑफिस है, ये मशीनरी है। इस साइड पे कहेंगे ये मशीनरी है, किस साइड पे ये मशीनरी है, ये ता हद निगाह मशीनरी का एक काफिला है तल्फका स्क्वायर से स्पेशल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये न्यू मेट्रो की अपडेट थी आज की। आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की तो रब्ता करें, आपकी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाएंगे इंशाल्लाह से। न्यू मेट्रो जो है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएँ। इतनी महदूद मुद्दत में अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की कोई भी दीगर हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही है तो आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने बताया। कोई मस्का नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे, हाउसिंग सोसाइटी ने जहाँ पे डिलीवर नहीं किया हमने तनकीद भी किया, बैलेटिंग के हवाले से इनने प्रॉब्लम किया तो हमने तनकीद किया और इंस्टॉलमेंट के हवाले से कुछ आपने अगर
कैप्टन की कुछ आपकी शिकायत थी कि आपकी फाइल्स कैंसिलेशन हो रही है, तो उस हवाले से हमने आपकी आवाज़ उठाई है। तो दो कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट ना देने पे फाइल कैंसिल ना हो, फिर उसको ब्लॉक करने का सिलसिला किया गया, लेकिन फाइल कैंसिल नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। तो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देंगे। ये नहीं है कि आपको वन टाइम प्लॉट बेचा तो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, आपको इंशाल्लाह आफ्टर सेल सर्विसेज भी दी जाएंगी। ये कुछ क्लाइंट्स थे मेरे साथ न्यू मेट्रो के, इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनको दिखाया जाए, तो आज मैं इनको अपनी गाड़ी पर लेके आया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इनको दिखाऊँ कि न्यू मेट्रो में मैंने इन्हें प्लाट कहाँ दिया। अभी अगर अभी तक सरमायाकारी नहीं की आपने हमारे साथ, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपकी सरमायाकारी को इंशाल्लाह महफूज और मुनाफा बख्श बनाएंगे। जज़ाकअल्लाह।